नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ लें इंडिया पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीटी एग्जाम की जो सैलरी है प्रदेश के अंदर उसके ऊपर। तो आज की ये न्यूज़ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को प्रदेश में 2400 ग्रेड पे और वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ में 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी 1500 शिक्षक कार्यरत है, तो उन सभी को 2400 ग्रेड पे मिल रहा है। तो उनकी मांग है कि उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए, नहीं तो कम से कम 3600 ग्रेड पे की जाए, जो कि थर्ड ग्रेड शिक्षक की है, क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। ट्वेल्थ के बाद दो साल का डिप्लोमा होता है, उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर लगते हैं, और इधर भी एनटीटी में भी ट्वेल्थ बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो सैलरी में इतना अंतर क्यों है, इसकी पूरी जानकारी अपन वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। ये है आज की न्यूज़ जो आ जाइए। अगर आपको दोस्तों ऐसी न्यूज़ चाहिए रेगुलर, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं हमारे सोशल मीडिया के, फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली डालता हूँ न्यूज़, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी। तो अपन देख लेते हैं न्यूज़ को क्या आई है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयनित 1500 शिक्षक 7 साल से वेतन विसंगति की मार झेल रहे हैं। महिला बाल विकास के विभाग के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगे इन शिक्षकों को राजस्थान में 2400 ग्रेड पे काम करना पड़ रहा है, जबकि एंड्रॉइड डिग्री धारियों को चंडीगढ़ में और दिल्ली में 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। आपको पता होगा अभी करंट में DSS भी चंडीगढ़ में निकली हुई है, उसमें भी 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश सरकार चंडीगढ़ और दिल्ली की तरह ग्रेड पे नहीं दे सकती, तो राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को दी जा रही 3600 ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताया था कि दोस्तों ग्रेजुएशन दोनों का मतलब क्वालिफिकेशन दोनों का सेम है, तो राजस्थान में जो भी एंटिटी अधिकारी है उनका कहना है कि कम से कम 3600 तो दिया ही जाना चाहिए, 4200 अगर नहीं दे सकते हैं तो। इन शिक्षकों का कहना है कि तृतीय श्रेणी ये लेवल 1 की योग्यता 12वीं और प्रारंभिक शिक्षा में सेम है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो वो सेम है क्वालिफिकेशन, इसलिए योग्यता समान है, तो ग्रेड पर भी समान ही मिलना चाहिए। मॉडल स्कूलों में खुल रही है प्री प्राइमरी कक्षाएँ। दोस्तों देखिए, मॉडल स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएँ खुल रही है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 15 एक स्कूल में नर्सरी में 15, LKG में 15 और UKG में 15 सीट रखी गई है। यानी एक स्कूल में प्री प्राइमरी के 3 सेक्शन में 3 शिक्षकों की जरूरत होगी। इसके आधार पर देखा जाए तो कुल 402 प्री प्राइमरी शिक्षक लगेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रहे पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि अगर उनको मॉडल स्कूलों में समायोजित कर दिया जाए तो उनकी वेतन विसंगति दूर होने का रास्ता खुल सकता है। दोस्तों अब उनकी मांग ये भी है, या तो उनके ग्रेड पे 3600 किया जाए या फिर उनको मॉडल स्कूलों में समायोजित किया जाए ताकि उनकी भी सैलरी बढ़ सके। अब तक दोस्तों आपको पता होगा कि 2012 में 500 की वैकेंसी आई थी और 2013 में 1000 की, और अभी करंट में 1350 की वैकेंसी पे काम चल रहा है, तो बहुत समय से मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो बस यही आज की न्यूज़ थी आपको बतानी थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।